अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के टॉपिक में मैं बताने वाली हूँ कि बच्चों की मेमोरी को कैसे घर पर बढ़ा सकते हैं, उनकी कंसेंट्रेशन को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए सिर्फ दो ही पॉइंट है। फर्स्ट इज दिस कि इंटरनली हम उनकी मेमोरी कैसे बूस्ट करें, और सेकेंड वन इज दिस कि एक्सटर्नली हम उनकी मीन्स कंसेंट्रेशन और मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। तो उसके दो पॉइंट है। अगर हम इंटरनली की बात करते हैं, इंटरनली इट मीन्स क्या है? इंटरनली मीन्स कि अंदर से बच्चों की ग्रोथ कैसे हो रही है। बाहर की ग्रोथ तो हम देख लेंगे कि हाइट कैसी हो रही है, बच्चे पिक कैसे कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, मतलब स्ट्रांग है नहीं है, बट इंटरनली हम कैसे मीन्स पहचानें, इंटरनली हम कैसे उनकी मेमोरी को बूस्ट करें, उनकी ग्रोथ को बढ़ाएं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ये हैं। सबसे नंबर वन पे आती है वो है डाइट। डाइट बच्चों की बहुत ही ज़रूरी है गाइज। आप लोग मीन्स बच्चों की डाइट पे ध्यान दीजिए और उनको हरी सब्जियां खिलाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी होती हैं, उनमें सारे विटामिन, मिनरल्स, जिंक, मैग्नीशियम सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आयरन सब कुछ मिल जाएगा। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाइए। उसके लिए छोटे बच्चे हैं नहीं खा रहे, आई नो कि छोटे बच्चे हैं वो सब्जी खाने में बहुत नखरे करते हैं, तो आप खिचड़ी बनाइए, दलिया बनाइए, कुछ भी बनाइए, वेजिटेबल सूप बनाइए थोड़ा टेस्टी सा, कम मिर्च वाला, तो ताकि बच्चे किसी ना किसी फॉर्म में बस ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें। मैंने इसी चैनल पे कुछ वीडियो शेयर की हैं कि आप किस तरीके से वेजिटेबल खिचड़ी या वेजिटेबल दलिया बना सकते हो बच्चों के लिए। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, बट हाँ, आपको आप अपने बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाइए, बहुत ही जरूरी है उनका ब्रेन की ग्रोथ अच्छे करने के लिए, उनकी उनकी मेमोरी को शार्प करने के लिए। फिर इसके बाद फ्रूट्स तो बहुत ही जरूरी है, सबको पता है, एप्पल हो गया और सारे फ्रूट्स हो गए, बहुत जरूरी है, बच्चों को जरूर दीजिए। ये बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की फिजिकल ग्रोथ तो करते ही हैं, मेंटली जो अंदर से जो ग्रोथ है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो सब करते हैं। और जब आपकी 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही होती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इस समय आपको ये खाना है, मीन्स अखरोट खानी है, वॉलनट्स खाने हैं। वो क्यों सजेस्ट करते हैं, उसका मतलब यही है कि जब 6 मंथ प्रेगनेंसी होती है उस समय से बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है, तो ब्रेन डेवलप होता है तो वॉलनट्स जो अखरोट होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ब्रेन बूस्ट करने में, ब्रेन की ग्रोथ करने में। इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि वो बताते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या लेना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या लेना है, 7 मंथ या 9 मंथ तक क्या लेना है, वो लोग खुद ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये हो गया मीन्स जब बच्चा छोटा होता है तब। फिर इसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आता है एग। एग बहुत ज़रूरी है बच्चे को खिलाना। आप बॉईल करके सिंपल उसको दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा देंगे तो एक दो बार में उसको टेस्ट आ जाएगा और वो खाना लगेगा। थोड़ा सा नमक डाल दिया उसके ऊपर, इस तरीके से आप बच्चे को खिलाइए, फिर भुर्जी बना लीजिए, कम मिर्च वाली कुछ, किसी भी तरीके से खाना बना रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, उसी में थोड़ा सा कद्दूकस करके बॉईल करके एग डाल दीजिए। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें बच्चों को खिलाना। इसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट इट मीन्स कि दूध हो गया, दूध जरूर दीजिए अपने बच्चे को। फिर दूध के बाद पनीर दे दीजिए, पनीर का कुछ बना दीजिए बच्चे को, पराठा बना दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। दही, दही बहुत ज़रूरी होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, दही दे दीजिए। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होती है कि जो बच्चे कभी छोड़ते नहीं है, मीन्स बच्चों को बहुत पसंद आता है, वो होते हैं जंक फूड। बाहर के चिप्स खाना, उनको पैकेट वाले चिप्स खाना होता है, जो कुरकुरे खाने होते हैं, बिस्किट्स खानी होती हैं, या बहुत ही हार्मफुल होती है लॉन्ग टर्म के लिए गाइस। ये अवॉइड करिए आप अपने बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे को चिप्स देना है तो आप घर पे आलू चिप्स बना लीजिए, उसको दे दीजिए। आप उसको ऑयल में फ्राई ना करके, अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रख दीजिए, अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। या फिर आप मीन्स गांव में चूल्हे में खाना बनाते हैं तो अंगरे में सेक के दे दीजिए। तो इस तरीके से आप उनकी चीज़ों को जंक फूड से रिप्लेस करिए, जो होममेड चीज़ें हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स आप यूट्यूब पे देख सकते हो रेसिपीज़ की, कैसे होममेड चिप्स बनाने हैं, कैसे क्या करना है। मैं भी इन सब की रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप अगर जैसे बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं तो आप घर पे चावल के आटे के कुरकुरे बना दीजिए, या फिर नमकीन जैसे सेक बना के रख लीजिए, वो एक एक साल तक आप स्टोर कर सकते हैं, यूजुअली वो ख़राब नहीं होता है। इन सब की रेसिपी मैं बाद में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अब ये हो गई है इंटरनली बात। इंटरनली बात इट मीन्स कि आपको डाइट अच्छी देनी है अपने बच्चे को, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग, ड्राई फ्रूट्स,
जंक फूड अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स देने हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को देना है। इंटरनली ये बच्चे के हेल्थ को डेवलप करेंगी, ब्रेन को डेवलप करेंगी, मेमोरी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेंगी। अब हम आते हैं दूसरे पहलू पे, जो है कि एक्सटर्नली हम बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कैसे कराएं, उसकी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम बोलते हैं तो स्लीप मतलब बच्चों के लिए नींद बहुत ही ज़रूरी है गाइज। अगर आपको याद हो, बच्चा अगर एक मंथ का है या उससे छः महीने तक का भी होता है, तो बच्चा 13-14-15 या बोल सकते 18 घंटा ऑलमोस्ट सोता है। जब बच्चा जैसे ही साल भर का होता है तो 14-15 घंटे सोता है, 2 साल का होता है तो 13-14 घंटे सोता है। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनकी पूरी बॉडी, पूरी हेल्थ, फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इतना सोना ही चाहिए। तो आप बच्चों को टाइम पे सुलाइए, टाइम पे उठाइए, बहुत ही ज़रूरी है, उनकी एक रूटीन बना के रखिए। फिर उसके बाद में आता है कि ब्रेन बूस्ट गेम। अब ब्रेन बूस्ट गेम क्या होते हैं, बच्चा अगर 1-2 साल का हो गया है तो आप कुछ ना कुछ ऐसे गेम खेलिए बच्चों के साथ, जैसे पजल्स होती हैं जो बॉक्स वाली, तो आप उनको बना के बताइए, 1-2 बार आप उनको बना के बताइए, फिर वो उस पर इन्वॉल्व होंगे और वो पजल्स सॉल्व करेंगे और कुछ उसे शेप्स बनाने की कोशिश करेंगे। आप सिंपल कर सकते हैं, जैसे फिंगर से कर सकते हैं, उनका मीन्स हमको ब्रेन मतलब वो कुछ सोचे, ब्रेन का यूज़ करें, तो इससे उनका क्या होगा कि ब्रेन यूज़ करेंगे, उससे उनकी मेमोरी भी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। तो आप सिंपल गेम कर सकते हैं, जैसे मेरी बेबी 2 ईयर्स की है, तो मैं उसे क्या करती हूँ, जस्ट फिंगर से, जिस मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती हूँ क्योंकि मैं वर्किंग हूँ गाइस, मैंने हर वीडियो में बताया मैं वर्किंग हूँ और अभी कोविड सिचुएशन है, इवन मेड भी नहीं आ रही है, तो सब कुछ मुझे संभालना रहता है, अकेले बेबी को भी संभालना है, उसको एजुकेट भी करना है, उसको चीज़ें सिखाते भी जा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देती हूँ और ना ही मैं दे पाती हूँ। मैं ट्राई भी करूँ कि एक्स्ट्रा टाइम दूँ तो नहीं दे पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी जो मेरी ही मीन्स मेरी अपनी ही एक्टिविटीज़ करते करते मैं उसको इन्वॉल्व कर लेती हूँ और इन्वॉल्व करते करते उसको हर एक चीज़ सिखा देती हूँ। उसको बहुत मज़ा आता है मेरे साथ रहने में, मेरे साथ चीज़ें सीखने में। तो वो कैसे, जैसे अभी मैं ऑफिस के काम कर रही हूँ तो सिर्फ 5-2 मिनट मैं उसकी साइड उसको अटेंशन दे सकती हूँ, उसकी साइड देख के। तो मैं उससे जस्ट पूछूंगी, बेटा इसमें कितनी फिंगर्स है, बोलेगी 5। तो मैं एक फिंगर इसमें छुपा लूंगी, बोलूंगी इसमें कितनी फिंगर्स है, वो बोलेगी 4। तो मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे उसका मीन्स मेमोरी इंप्रूव कराना है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 5 फिंगर्स रखूंगी, इसमें 4 फिंगर, इसमें 4 फिंगर्स रखूंगी, एक फिंगर को मैं दबा लूंगी। तो मैं उसको बोलूंगी, बेटा अच्छा काउंट करके बताओ किसमें 5 फिंगर है, किसमें 4 फिंगर है। तो वो बताएगी, मामा इसमें 4 है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 ईयर्स की है तो काउंट करेगी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप कलर से कर लीजिए, मतलब बॉक्स बना लीजिए, उसमें कलर आपके पास कलर वाला कोई चीज हो तो एक हाथ में 3 कलर, तो एक हाथ में 3 कलर है, दूसरे हाथ में 3 है, लेकिन एक कलर को सेम रखिए दोनों हाथ में, बाकी के 2 कलर को अलग रखिए। और फिर बच्चे से क्वेश्चन कीजिए कि बेटा बताइए कि कौन सा कलर सेम है मम्मा के हाथ में। तो वो बताएगी कि मम्मा ये पिंक वाला सेम है, पिंक वाला कलर आपके इस हैंड में भी है, पिंक वाला कलर आपके इस हैंड में भी है। तो आप ऐसे ही कुछ मीन्स बहुत सारे गेम्स होते हैं छोटे छोटे से, और बच्चा बड़ा है तो बड़े लेबल पे देख लीजिए। तो इस तरीके से आप गेम्स बच्चे को खिलाइए, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आप ऐसे ही खिलाएंगे ना इंटरेस्टिंग तरीके से, तो बच्चा यकीनन वो इन सब चीज़ों को पसंद भी करेगा और मीन्स सीखेगा भी। फिर इसके बाद में आते हैं लो नॉइज करना। इट मीन्स कि जैसे बच्चा कुछ खेल रहा है, मैंने उसको बॉक्स दे दिया, वो अपना बॉक्स बना रही है, या फिर मैंने उसको कलर दे दिया, वो पेंटिंग कर रही है, कुछ भी ऐसा बना रही है, तो आप ना नॉइज मत करिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। आप ये नहीं कि जिस हॉल में ही बैठे हैं तो वो भी वहीं पे काम कर रही है, ड्राइंग कर रही है, और मैं वहीं पे टीवी चालू कर लूँगी तेज़ तेज़, या मेरा ऑफिस का कॉल आ गया तो मैं तेज़ तेज़ वहीं पे बात कर रही हूँ। नहीं, अगर मुझे ऑफिस का वाला कॉल आया है, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अगर किसी और रूम में चली जाऊँगी, उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। यही चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि अपने बच्चे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर वो मन लगा कि कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है, या फिर ड्राइंग कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको अपना स्पेस दीजिए, उसको वो चीज़ें करने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। फिर उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, सबको पता है कोविड सिचुएशन है, तो बच्चों को हम ज़्यादा निकाल नहीं पा रहे हैं। तो कोई नहीं, आप घर में बच्चों को टाइम दीजिए, जैसे मेरी भारू को ना मीस वो भी बहुत दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो जितनी मस्ती वो करती है उसके साथ मुझे करनी पड़ती है। अगर वो जंपिंग कर रही है तो हम पेरेंट्स उसके साथ जंपिंग करते हैं, वो जो भी कर रही है, वो ड्राइंग कर रही है तो उसके साथ ड्राइंग करते हैं, मतलब उसको टाइम देते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं। जैसे वो चिल्ला रही है तो हम भी
इसके साथ मतलब हूटिंग कर रही तो हम लोग भी उसके साथ चिल्लाएंगे, उसको जो पसंद है जैसा वो करती है उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है गाइस, अभी इस समय इस सिचुएशन में आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा आपके बच्चे के साथ, क्योंकि आप बाहर ले जा नहीं पा रहे हो दूसरे बच्चों के साथ कि आपका बच्चा वो दूसरे बच्चों के साथ खेल ले, तो आप पेरेंट्स हो लेकिन आपको बच्चा बनना पड़ेगा उनके साथ, ताकि उनका मन बहला रहे और घर में वो अच्छे से रह सके, अदरवाइज घर में रह रहे कि वो बहुत बोर हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी उनको करानी है, तो अगर पॉसिबल है तो मम्मी पापा दोनों बैठ के उनको फिजिकल एक्टिविटीज कराओ। मीन्स आप अकेले मम्मा के साथ भी बच्चे खुश रहेंगे, पापा अगर पापा अकेले खिला रहे बच्चे को तो भी खुश रहेंगे, लेकिन अगर आप एक साथ मिलके बच्चे को कुछ भी मस्ती कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो उसका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये भी कि आपको रोल मॉडल बनना है। अब रोल मॉडल क्यों बोल रही हूँ मैं मेमोरी कंसेंट्रेशन में, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, मीन्स वो तो जीरो लेवल पे होता है जब वो इस दुनिया में आता है, उसको तो ये सच कुछ भी नहीं आता है ये मीन्स इस दुनिया की चीज़ें, तो आप उनके रोल मॉडल हो, आप जो भी कर रहे हो, फैमिली वाले जो करते हैं, मम्मी पापा जो कर रहे हो वही मीन्स वो बच्चा क्या देख देख के ही सीखता है। तो जैसे अगर आपको मान के चलिए राइटिंग सिखानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आधा घंटा आप बैठिए आप राइटिंग करिए, तो वो देखिएगा कि हाँ मीन्स मेरी मम्मा राइटिंग कर रही है, मेरी मम्मा क्या करती रहती है, तो वो भी वो करना स्टार्ट कर देगी। जैसे मैं जो भी चीज़ करूँगी वही वो करेगी ना, जैसे मैं अगर पढ़ रही हूँ तो मैंने उसका पढ़ने का सब कुछ ऐसे ही कराया है, मीन्स उसको मैं खुद ही वो चीज़ें पहले करती हूँ फिर वो उन चीज़ों को रिपीट करती है। जैसे अगर मैं बोलूँ दूसरा पॉइंट लाती हूँ वो है मेडिटेशन की, बच्चों को मेडिटेशन कराना है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अब बच्चे कैसे करें मेडिटेशन, बच्चों को क्या पता कि ध्यान क्या होता है कैसे करना है, उनको तो कुछ भी नहीं पता, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। आप बैठेंगे ध्यान में तो आप क्या करेंगे, आप बैठेंगे ऐसे भगवान के सामने हाथ फैला के बैठ रहे हो, या फिर किसी नेचर में जाके ग्रास पे जाके अच्छे मीन्स शांत जगह में बैठ रहे हो, तो आप ओम बोल रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो आप जैसा करोगे वो आपको देख के फॉलो करती है। मेरी बेबी मुझे देख के फॉलो करती है, मैं क्या हमेशा जब भी मेडिटेशन करती हूँ मैं भगवान के सामने हाथ फैला के बैठ जाती हूँ, भगवान के सामने मेडिटेशन करती हूँ, तो उसका भी वही है कि वो भी उधर ही टेम्पल में जाएगी, ऐसे हाथ फैला के बैठ जाएगी और ध्यान करेगी, अगर मैं ओम बोलूँगी तो वो भी ओम बोलेगी। तो वही है, मुझे रोल मॉडल बनना है, मीन्स हम लोग को ही रोल मॉडल बनना है, हम लोग को ही बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें करनी है ताकि बच्चे भी हमको फॉलो करें और वो सारी चीज़ें सीखें। तो आप मेडिटेशन करें, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के मीन्स माइंड को शांत करने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए और कंसेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बच्चों को मीन्स कंसेंट्रेशन देना और रिलैक्स देना है, तो आप क्या करिए कि पानी ले लीजिए। मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे कभी बहुत ज़्यादा मीन्स हेक्टिक हो जाता है और हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं इतना सारा काम करते करते, तो मैं रिलैक्सेशन के लिए क्या करती हूँ कि एक बकेट पानी में बकेट में थोड़ा सा पानी लेके उसमें नमक डाल के या तो गुनगुना पानी ले लूँगी, नहीं तो ठंडा ले लूँगी, अगर ज़्यादा टायर्ड हूँ ज़्यादा थक गई हूँ तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसमें नमक डाल के पैर डाल के बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए। बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स लगता है, वजन लगा लो उस समय या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक लगा के सुनो, बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। तो मेरी बेबी पारू भी वही करती है, वो अपनी छोटी चेयर ले आएगी, अपनी छोटी बकेट ले आएगी, खुद ही बाथरूम से पानी ले लेगी, मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी तो बैठी रहेगी, वो भी अगर भजन है तो भजन सुनती रहेगी और वो भी भजन गाएगी, उसको भी मीन्स वो सुनते सुनते वो भी सीख गई तो वो भी भजन गाना स्टार्ट करेगी। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं गाइस, आजकल मॉडर्न ज़माने में हम लोग ये सब चीज़ें करते नहीं हैं, जॉब कर रहे हैं ऐसा है वैसा है तो हम ये सब चीज़ें नहीं फॉलो करते, बट बहुत ज़रूरी है माइंड रिलैक्स के लिए बच्चों के लिए। अभी से आप बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएंगे तो बाद में उनके बहुत काम आने वाली हैं। तो गाइस ये स्टेप आप जरूर उठाइए, अपने बच्चों को ये सब चीज़ें जरूर सिखाइए। फिर इसके बाद आता है अगर हम बात करें कि बच्चों को एक्सरसाइज करानी है, आप बच्चों को कैसे एक्सरसाइज कराएं, वो इतने छोटे हैं कैसे एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए आपको फिर वही है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मेरा क्या था, मुझे जब बैक पेन था तो डॉक्टर ने मुझे जो भी एक्सरसाइज सजेस्ट की थी मैं घर पे आके 2-3 बार करती थी, तो वो भी मीन्स जैसे मैं करती थी बेड पे लेट के तो वो भी बेड पे लेट के करती थी, अगर मैं जिस तरीके से भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ सेम डिक्टो वो करती थी। मतलब सिंपल वही है, आप जो भी करोगे बच्चा सीखेगा। तो आपको क्या करना है एक्सटर्नल में अगर हम बात करते हैं, हाँ वन मोर पॉइंट, एक पॉइंट और भूल गई हूँ कि डिस्ट्रैक्शन कम करना है। वो कैसे कि जैसे आपका बच्चा कुछ पढ़ भी रहा है और
मैं बार बार उसको आवाज़ दे रही हूँ कि यार पारू बेटा इधर आ जाओ, क्या कर रही हो पारू बेटा इधर आ जाओ, और उसका मन लगा है कोई काम करने में, वो कुछ भी कर रही हो, लिख रही हो, पढ़ रही हो, खेल रही हो, जो भी कर रही हो, मैं उसको बार बार टोकूंगी नहीं। तो आप अपने बच्चे को बार बार मत टोकिए, वो इरिटेट हो जाएगा, फिर वो काम को करेगा नहीं। इसलिए टोकना भी मीन्स नहीं चाहिए बच्चे को ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं समरी दूँ कि कितने पॉइंट्स हैं सेकंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का ये है कि आप स्लीपिंग अच्छे से कराइए बच्चे को, नॉइज कम रखिए घर में, रोल मॉडल बनिए, मेडिटेशन कराइए, एक्सरसाइज कराइए, नींद अच्छी दीजिए अपने बच्चे को, और बार बार उसको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए और अपने बच्चे के साथ जरूर कीजिए। हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं भूल ही गई, वो है क्या, फैमिली स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ठीक है किसी भी वजह से हस्बैंड वाइफ में कुछ हो रहा है या फिर जॉइंट फैमिली में थोड़ा बहुत टूटू में अगर कुछ हो भी रही है, तो प्लीज़ गाइज इतना याद रखिए, बेबी के सामने मत कीजिए, बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का बहुत। मैं ऑलरेडी मेरे रिलेटिव की फैमिली में ये सब देख चुकी हूँ, मुझे पता है कि बच्चे पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इवन वो इस बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो बोल तक नहीं पाते, उनको इतना बुरा असर पड़ता है उनके ऊपर। तो गाइज ये चीज़ आप ज़रूर अवॉइड कीजिए, ध्यान रखिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, इतने पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे मैंने अगर मैं डिस्क्राइब करती हूँ, समझी देती हूँ, दो पॉइंट्स है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली बच्चे को अच्छा सा खिलाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए, और एक्सटर्नली में बच्चे को इस तरीके से पूरा ध्यान रखिए। मॉम्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिए, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, और मैं भी इस तरीके से जो भी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो भी मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, जो कर पा रही हूँ जॉब को मैनेज करते हुए, वो मैं जरूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है किसी न किसी एक मॉम को भी हेल्प कर देना, तो मेरे लिए बहुत ही मीन्स व्हाट कैन आई से कि बहुत ही ज़्यादा खुशी का मोमेंट होगा अगर किसी एक को भी वो हेल्प करता है, इन्फॉर्मेशन किसी एक को भी हेल्प करती है। तो गाइज आप ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप कर सकते हैं, और बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको कोई भी मिस रेसिपीज देखनी है, तो आप मेरे इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं रेसिपीज भी शेयर करती हूँ कि वर्किंग मॉम्स ऐसी कौन सी इजी सी रेसिपीज चूज़ करें कि वो वर्क और बच्चा सब मैनेज करते हुए अपनी मिस किचन को भी मैनेज कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।